हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एंड ये जो टॉपिक है रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल से। सो हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे। ओके, तो इसको हम समझेंगे बाय टेकिंग डिफरेंट केसेस, अलग अलग सिचुएशन लेंगे एंड वहां से फिर देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है एक पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करने की ऑन अ सर्कल। ओके, तो केस नंबर 1, व्हेन अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सो इस केस में एक पॉइंट जो है पॉइंट पी, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सो अगर इस पी पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, लाइक दिस 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 एंड बहुत सारे, आप एन नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से, तो कोई भी लाइन ऐसा नहीं होगा जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे या इसको बिल्कुल छू के निकल जाए। ऐसा कोई लाइन नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी इनसाइड लाई कर रहा है। एंड जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे वो दो पॉइंट पे मीट करेंगी एंड उन लाइंस को हम कहते हैं सीकेंड। सो व्हेन अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, हमारे पास कंक्लूजन निकला, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सो अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो वहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ओके, वैसे तो हमने इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं। एक सर्कल में अगर पॉइंट बिल्कुल सर्कल पे लाई कर रहा हो तो उस केस में हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। बिकॉज अगर हम इस पॉइंट पे दूसरा कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो कम से कम दो पॉइंट को मीट करेगा एंड उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। बट एक ही लाइन ऐसा होगा इस पॉइंट पे जो सर्कल को बिल्कुल टच करके निकल जाएगा। तो हम यहां से कहेंगे दैट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ओके, अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 है अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ओके, इस केस में आप देखें एक सर्कल है एंड एक पॉइंट है पॉइंट पी जो कि सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। तो इस केस में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऑन दिस सर्कल? वेल, इस केस में हम सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पी टी वन एक पी टी टू। वाई? क्योंकि अगर इस पॉइंट से आप कोई और लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, तो वो लाइन दो पॉइंट्स को मीट करेगा। इस पॉइंट से सिर्फ दो ही लाइन ऐसा होगा जो सर्कल को बिल्कुल छू के निकल जाएगा एंड वो दोनों लाइंस को हम टेंजेंट कहेंगे। तो जो एक पॉइंट होता है जो कि सर्कल से बाहर लाई करेगा उससे सिर्फ आप दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से हम कहेंगे दैट देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ओके, ये कुछ केसेस थे जिनके बारे में हमें समझना जरूरी था। ओके गाइस, थैंक यू। TutorialsPoint.com, simply easy learning.